नमस्कार साथियों, मैं प्रिया गुप्ता लैंड टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा होगा, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में कुछ नए इनिशिएटिव आए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो आपसे एग्जाम में के बारे में पूछा जा सकता है, प्लस जो आपकी अपकमिंग AMRS की वैकेंसी है, ठीक है, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो भी टीचिंग के एग्जाम है उनमें भी ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो आज हम जो लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एकलव्य DTH चैनल। अब DTH चैनल क्या है इसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो एकलव्य DTH चैनल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की सहयोग से शुरू की गई विशेष पहल है, पूरे भारत में आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक सहायता बढ़ाने के लिए NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसको बोलते हैं, का एक घटक है। तो सबसे पहले तो CIET क्या है? NCERT का एक घटक है, ठीक है, जिसके अंडर में इसके कोलोबरेशन के साथ एकलव्य DTH चैनल ओपन किए गए हैं, ठीक है। और ये किस लिए किए गए हैं? जो AMRS में पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए ये किए गए हैं, ठीक है। ये चैनल मुख्य रूप से CBSE पाठ्यक्रम का पालन करते हुए, जो CBSE बोर्ड का पाठ्यक्रम है 9th से 12th क्लास के लिए, उनके हिसाब से के छात्रों की शैक्षिक समग्र आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। इसके बाद इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उद्देश्य क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि आखिर ये किसके लिए बनाया गया है। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में नामांकित छात्रों को मुख्य रूप से लाभ होता है, जिसमें सालाना 61,189 छात्र शामिल होते हैं, ठीक है। ये हमारे से आश्रम स्कूलों में नामांकित नहीं होने वाले आदिवासी छात्रों तक खुली पहुंच इसे एक समावेशी मंच बनाती है, मतलब जो ये हमारे से में भर्ती नहीं है, ठीक है, और कोई भी आवासीय छात्र जो अदर स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद है पाठचर्या और संरेखण की अगर हम लोग बात करें, तो जनजातीय समुदाय के मानकीकृत शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए CBSE ढांचे के अनुसार सामग्री तैयार की गई है इसमें। इसके बाद भाषा का समर्थन में देखें कि कौन कौन सी लैंग्वेज का यहाँ पे समर्थन किया गया है, तो आदिवासी छात्रों द्वारा जो भी सामना की जाने वाली, मतलब आदिवासी छात्र जो भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए जनजातीय भाषाओं में शैक्षणिक सामग्री प्रदान करेगा, मतलब आदिवासी छात्र जो है अगर उनकी ही लोकल लैंग्वेज में उनको बताया जाएगा, जिससे कि उनके जो शैक्षिक सामग्री उनको प्रदान करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जनजातीय भाषाएं जो मेनली होती हैं उनमें इनमें प्रसारण किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समाज और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए STEM के बारे में मैं आपको काफी बार बता चुकी, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को कंबाइंड करके ये सारी चीजें बनाई गई हैं। विषय में कठिन विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा, मेनली ये साइंस टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, ठीक है, उनपे विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद और एडिशनल सामग्री यहाँ पे क्या रहेगी, जो योगा है, यहाँ पे योगा है, योगा पर ये अलग से क्लासेस प्रोवाइड करवाएगा, जिससे शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। प्रोवाइड लेसन्स ऑन योगा प्रोमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। इसके बाद सिकिल सेल रोग के प्रबंधन के बारे में शिक्षित करता है, एक आनुवंशिक विकार जो आदिवासी समुदायों में असमान रूप से प्रभावित होता है। एक ये सिकिल सेल डिसीज है जो आदिवासी समाज में बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये होता है, तो इसके बारे में भी शिक्षित करेगी, ठीक है। इसके बाद सुलभता क्या रहेगी, डायरेक्ट टू होम, मतलब ये डायरेक्ट टू होम जो DTH का मतलब ही होता है, डिलीवर किए जाएंगे तकनीकी के माध्यम से, इसे दूरस्थ और कम सेवा वाले क्षेत्रों के लिए सुलभ बनाता है। मतलब जैसे कि DTH चैनल आपको पता होगा, जैसे और भी चैनल्स होते हैं, उस प्रकार से ये डायरेक्ट मतलब घर में टीवी पे आसानी से देख सकते हैं। इन आदिवासी छात्रों के लिए सीखने की सुविधा प्रदान करता है, जिसके पास उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों की पहुंच की कमी है,
इसके जनजातीय शिक्षा में भूमिका, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय आदिवासी छात्रों के लिए शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से ये स्कूल आदिवासी समुदाय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक पहल का एक हिस्सा है। इसके बाद चैनल कक्षा शिक्षण को पूरा करता है, सीखने के अंतराल को संबोधित करता है और कठिन अवधारणाओं को मजबूत करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आईआईटी वगैरह से क्लासेस दी जाएंगी तो काफी बेनिफिशियल रहेगा, जिससे कि बच्चों तक जो चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, तो पूरा उद्देश्य है कि जो आदिवासी समुदाय है उसकी शिक्षा पे हर तरीके से ध्यान देने की कोशिश की जा रही है इसके माध्यम से। ठीक है, इसके बाद आश्रम स्कूल जो है, आश्रम स्कूलों में पढ़ने वाले आदिवासी छात्र भी चैनल से लाभान्वित होंगे, जिससे व्यापक शैक्षिक पहुंच सुनिश्चित होती है। इसके बाद है स्टीम, जो साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं, उन पे विशेष पकड़ की जाएगी, इस पे विशेष फोकस किया जाएगा, जिस और छात्रों को सरल और उनकी स्पष्ट भाषा में सिखाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, इसके बाद लाभ उनको कैसे मिलेगा, डिजिटल डिवाइड को पाटना, मतलब जो एक टेक्नोलॉजी का एक गैप बना हुआ है, क्योंकि संसाधनों की कमी की वजह से जो आदिवासी दूरस्थ क्षेत्र है उन तक ये सब चीजें नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इनका उपयोग यहाँ पे इसको बनाया गया है डीटीएच मोड के द्वारा। ठीक है, क्योंकि टीवी हर घर में देखने को मिल जाती है या फिर कह सकते हैं मोहल्ले में देखने को मिल जाती है, तो वहां तक बच्चों तक ये सारी चीजें पहुंच सकती है। इसके बाद भाषा समावेशता की अगर बात करें, तो जनजातीय भाषाओं में बहुभाषी समर्थन सीखने को अधिक प्रभावी और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक बनाता है, तो उनकी जो ट्राइबल कम्युनिटी की भाषाएं होती हैं उनमें यहाँ पे सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, समग्र विकास कैसे होगा, तो शिक्षाविदों से परे चैनल सिकिल सेल रोग जैसी स्वास्थ्य चिंताओं को संबोधित करेगा जो आदिवासी आबादी में प्रचलित है, और योगा के माध्यम से शारीरिक और उनके मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये सब फोकस एरिया है जिन जिन पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अनुमापकता की अगर बात करें, तो EMRS और आश्रम स्कूल के बाहर आदिवासी छात्र इस संसाधन का उपयोग अपनी शिक्षा के पूरक के लिए कर सकते हैं। EMRS और आश्रम स्कूल के अलावा भी जो भी ट्राइबल स्टूडेंट है या और भी स्टूडेंट है वो इसका उपयोग कर पाएंगे। इसके भविष्य की संभावना की अगर बात करें, तो एकलव्य DTH चैनल भारत में आदिवासी समुदाय की शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करने की दिशा में एक पहल है। ठीक है, प्रगतिशील कदम है, जैसे जैसे विकसित होता है इसके लिए संभावनाएं भी उसी प्रकार से बढ़ती जाएंगी। और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कवर की ये भाषाओं विषयों की संख्या का विस्तार यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इंटरेक्टिव और AI आधारित शिक्षण उपकरण भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, मतलब AI का यूज करके भी सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके शैक्षणिक प्रथाओं में सुधार के लिए चैनल के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा, मतलब जो यहाँ पे शिक्षक पढ़ाएंगे उनके भी प्रशिक्षण के संभावनाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2023 के तहत समावेशी शिक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। मतलब जैसे कि NEP में भी बताया गया कि हर वर्ग पे ध्यान दिया जाएगा, सबको एक मुख्य धारा में लेके आया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये उसका भी एक उद्देश्य का पालन करेगी। जो ये नया इनिशिएटिव चलाया गया है जिसका उद्देश्य शैक्षिक असमानताओं को कम करना और उज्जवल भविष्य के लिए आदिवासी छात्रों को ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त करना है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट ही यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं कि किस लिए बनाए गए, क्या क्या इसका बेनिफिट बेनिफिशियल रहेंगी, किन किन क्षेत्रों में रहेंगी, कैसे ये घरों तक पहुंचेंगी। ठीक है, तो इसलिए एकलव्य DTH चैनल बनाया गया है। और मेन जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये जो किसके अंडर में ये बनाए गए हैं, किसके कोलोबरेशन में बनाए गए हैं, ठीक है, और बेसिकली किसके लिए बनाए गए हैं, तो ये सारी चीजें, और कौन कौन सी भाषा का यूज होगा, किन एरियाज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एक डिसीज भी बताई गई, उसके बारे में भी बताया जाएगा,
ठीक है। और योगा वगैरह पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये पूरा ओवरव्यू था एकलव्य डीटीएच चैनल का। उम्मीद करती हूँ आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बताइएगा। और इसी प्रकार की क्लासेज अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।